टाटा मोटर्स शेयर का अगर ब्रॉड फंडामेंटल्स चेक करें तो कमजोर नजर आता है। फिर भी दोस्तों ये स्टॉक निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है? अगर इसके अल्फा को चेक करें पिछले 1 साल के, तो 44.3% से इसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। बीटा भी इसका अधिक है दोस्तों, 1.66 है, जो एक हाई वोलाटिलिटी को इंडिकेट करता है। तो रिस्की स्टॉक तो है दोस्तों। और पिछले क्वार्टर के अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें तो वो 6% है, जो ब्रॉडर इंडस्ट्री का मीडियन जो है उससे कम है। तो दोस्तों ये स्टॉक रीसेंट टाइम में तो इसने एक काफी साइजेबल करेक्शन दिया, करीब 32% के आसपास ये करेक्ट हुआ, रीसेंट पीक जो उसने नवंबर 2021 में बनाया था। लेकिन फिर भी ये स्टॉक ब्रॉडली बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटल्स कमजोर रहने के कारण भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों? तो इस वीडियो में हम टाटा मोटर शेयर्स के ब्रॉड फंडामेंटल्स को समझेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे, जहां पर टाटा मोटर शेयर्स की टेक्निकल एनालिसिस करके संभावनाओं को तलाशेंगे कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, टाटा मोटर शेयर का प्राइस टारगेट क्या हो सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want it, that's in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue keeps. Tata Motors share latest news क्या है? इसे हम जान लेते हैं दोस्तों पहले। तो दोस्तों सबसे important news ये है कि sales के terms में इसने मारुति को एसयूवी स्पेस में आउट परफॉर्म किया है Q1 में, वेरी सिग्निफिकेंट दोस्तों। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइम सेगमेंट में लॉन्च की है दोस्तों, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस करीब 15 लाख रुपए के आसपास होगी। और JLR ने इंडिया में न्यू रेंज रोवर को लॉन्च किया है दोस्तों, और हायर सेगमेंट में लॉन्च किया है, हायर टॉप एंड फीचर्स के साथ में लॉन्च किया है, और वो उसकी प्राइसिंग होगी 2.4 CR से 3.4 CR के रेंज में एक शोरूम प्राइस। अब टाटा मोटर्स के ब्रॉड फंडामेंटल्स वीक होने के बावजूद दोस्तों ये आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को? तो मेरी नजरों में और मेरे ओपिनियन में दो फैक्टर्स हैं जो इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर 1, इसकी सेल्स जो है कंटिन्यूअसली ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और सेकेंडली दोस्तों इसका फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट। अगर इसके ब्रॉडर देखें दोस्तों तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है करीब 1.62 ट्रिलियन रुपीज है, वहीं इसकी सेल्स जो है 2.78 ट्रिलियन रुपीज है। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है वो कैलकुलेट होता है 0.6, जो एक मेजर ड्राइवर है इसके शेयर प्राइस के ऊपर जाने में। अगर टाटा मोटर शेयर्स के करंट वैल्यूएशन को चेक करें दोस्तों, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर हम उसे कंपेयर करें करंट मार्केट प्राइस को, तो वो 11.4% ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, और करंट PS जैसा अभी चर्चा की गई 0.6 है। और फेयर अगर PS को देखें, एस्टिमेटेड सेल्स के आधार पर अगर PS को देखें तो वो 3.4 निकल के आता है दोस्तों। तो इसका मतलब वैल्यूशन टर्म्स में अगर सेल्स के कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट करें तो वैल्यूशन टर्म्स में ठीक नजर आता है। तो PS रेशियो इस बात को इंडिकेट करता है कि सेल्स जो है एक मेजर ड्राइवर है टाटा मोटर्स शेयर्स के लिए। अगर पियर ग्रुप एनालिसिस करें तो पियर ग्रुप का जो एवरेज PS रेशियो है वो 4 है, जबकि टाटा मोटर्स का 0.6 है, बजाज ऑटो का 3.4 है, मारुति का 3x है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का
1.4 टाइम्स है। सो इस पैरामीटर पे वैल्यूएशन टर्म्स में ये ठीक नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस पर मार्केट प्रीमियम देता है। अब अगर सेल्स बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स का जो अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट है वो 87.5% है एनुअल बेसिस पर दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। और अगर एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो 14.2% है। तो अर्निंग्स की बात करें, रेवेन्यूज की बात करें, तो दोनों इंडस्ट्री के जो एवरेज परफॉर्मेंस है, मीडियन है, उससे कहीं अधिक नजर आ रहा है। तो दोस्तों, चलिए स्ट्रेटवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और प्राइस चार्ट पर टाटा मोटर शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करके संभावनाओं को तलाशते हैं। इस बीच में दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। अब हम रेफर कर रहे हैं टाटा मोटर्स के शेयर पर मंथली प्राइस चार्ट को एनएससी के ऊपर में। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मासिव और ट्रेंडिंग मूव के बाद में इसमें भारी गिरावट देखी गई और ये डाउन ट्रेंड में आ गया। मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाईज एंड लोअर लोज का बन गया। लेकिन इसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर हुआ दोस्तों, तो मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाईज एंड हायर लोज है और यहाँ पे प्राइस नहीं, ऐसे में 144 के बाद काफी लंबे दौरान तक इसने कंसोलिडेट किया। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, इस पैराबोलिक राइज के बाद में प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई और इसका करेक्शन की शुरुआत हुई। तो रीसेंट टाइम में देखें, इसने नवंबर 2021 में 536.7 का हाई बनाया और रीसेंट टाइम में मई 2022 में इसका लो था 366.2। तो इसका मतलब 31.8% का ये ड्रॉडाउन देखा गया और एक अच्छा खासा ये करेक्शन हुआ। क्या ये करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर मई 2022 की कैंडल एक बुलिश पिन बार है, उसके पहले फिर उसके बाद मार्च 2022 की कैंडल बुलिश पिन बार है और उसके बाद कहीं ना कहीं आइसक्रीम बार का फॉर्मेशन है जून 2022 में और करंट मंथ, ऑल्दो करंट मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक चीज तो ये बात तय हो गई कि प्राइस बार बार इस जगह पे आ रही है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 21 का और यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस का रिजेक्शन था, जो अब सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, तो इसका ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अपसाइड मूव में चली गई और ये थ्रोबैक के फिनोमेनन को हम देख सकते हैं। अगर इस पैटर्न के अनुसार अगर हम टारगेट को निकालने की चेष्टा करें तो मैं इसे मेजर करता हूं और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से इसे प्रोजेक्ट करता हूं, तो 1000 रुपए पे इसका टारगेट निकल के आता है और फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है दोस्तों 454.9 पे। मतलब जब मार्केट 22 जुलाई को वीक के बाद में समाप्त हुआ तब इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 454.9। तो अच्छा खासा क्वेश्चन यहां से नजर आ रहा है, मोर देन 100% का जंप नजर आ रहा है करंट मार्केट प्राइस से। क्या और भी कंफ्लुएंस हमें मिल रहे हैं, तो मैं एक और ट्रेंड लाइन आपको खींचता हूं और एक उससे काफी आइडिया मिलेगा। यहां देखिए मैं एक और ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और ये ट्रेंड लाइन जो थी ये कहीं ना कहीं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की राइजिंग नेकलाइन थी। और यहाँ देखिए प्राइस का लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है और प्राइस ने थ्रोबैक करके नेकलाइन पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है जहां से ये बाउंस बैक नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो देखिए इसका टारगेट जो है वो निकल के आता है 878 पे। तो इसका मतलब ये है कि करंट प्राइस से करीब 90-100% अपसाइड की तो संभावना नजर आ रही है। लेकिन उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि अगर ये प्राइस इन पैटर्न्स की जिसकी चर्चा अभी हमने की, इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो दोस्तों ये क्या ब्रेकआउट होगा, ये एक मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम का
ब्रेकआउट होगा, और मल्टी बॉटम राउंड ऑफ का ब्रेकआउट अगर हो जाता है, जिसकी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि प्राइस में जो करेक्शन हुआ, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो करेक्शन रिसेंट टाइम में हुआ है, अगर इसकी हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, ये देखिए लास्ट इंपल्सिव वेव की हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्राइस यहाँ पर 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, वहां पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं, जिस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद अब इस करेक्शन की समाप्ति हो रही है, और चार्ट पैटर्न हमें नजर आ रहे हैं। अगर ये करेक्शन की समाप्ति हो रही है, तो अगर हम सिंपल वेव एनालिसिस के अनुसार भी टारगेट को प्रोजेक्ट कर दें, तो ये देखिए मैं टारगेट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो ये टारगेट इसका 618 निकल के आता है। मतलब बहुत बड़ी संभावना बन रही है कि ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हो जाएगा, और अगर ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होता है तो कहां तक प्राइस जा सकती है, चलिए इसे असेस करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसका अगर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होता है तो ये 2000 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अब इस राउंडिंग बॉटम, जो मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम है, इसका ब्रेकआउट होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है जब तक इवेंट नहीं हो जाता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट असेसिंग द प्रोबेबिलिटी इन द मार्केट। यहां देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर की राइजिंग नेकलाइन है, इसके अलावा ये यहाँ देखिए ये भी एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, और बार पैटर्न्स भी है। तो इस तरह से मल्टीपल एनालिसिस बात को सजेस्ट कर रही है कि ये करेक्शन की समाप्ति हो रही है और अब अपसाइड मूव के लिए तैयार है। तो हम स्ट्रेटजी क्या अपना सकते हैं, ट्रेंड को राइड करना एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, क्योंकि अगर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हो गया तो 2000 रुपए का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों, और जिस तरह से टाटा मोटर्स की सेल्स में ट्रैक्शन नजर आ रहा है, तो संभावनाएं को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए वीकली प्राइस चार्ट पर चलते हैं। वीकली प्राइस चार्ट पर जब हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल सपोर्ट लिया, और एक तरह से प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्राइस ने 380 पर एक अच्छा बेस बना लिया है। तो यहाँ रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी बड़ा नजर आ रहा है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो अपेक्स था, ये स्वीक की कैंडल इसके ऊपर में क्लोज होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम इसे एक अक्यूमुलेशन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अक्यूमुलेशन बैंड को ड्रॉ करता हूं, देखिए एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है इस अक्यूमुलेशन बैंड का। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पर, ताकि रिसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सके। जब हम डेली चार्ट पर एक नजर डालते हैं, तो यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है कि पहले तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया था, अगर हम यहाँ देखें तो डेथ क्रॉस भी इसमें हो गया था, लेकिन इसके बाद फिलहाल प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें चार्ट पैटर्न भी नजर आ रहा है, ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई और ये हेड का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पर देखिए ये राइट शोल्डर का यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। तो ये सारे एनालिसिस जो मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम मंथली टू वीकली टू डेली चार्ट में देखते आ रहे हैं, ये बात इंडिकेट करती है कि अब इसमें करेक्शन की समाप्ति हो गई है। यस, प्राइस कहने का एसएमए 200 पर एक रिजेक्शन दिखा रही है, लॉस ऑफ मोमेंटम दिखा रही है। अब ये जो गैप है दोस्तों यहाँ पर क्रिएट हुआ है, मैं इस गैप के ऊपर में एक लाइन खींच देता हूं, ये देखिए यहाँ पर एक गैप जो क्रिएट हुआ है 18 जुलाई को, तो ये गैप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर हम एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू लें और 415 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, तो रिस्क बहुत छोटा है, रिवार्ड का पोटेंशियल काफी बड़ा हो सकता है। या फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को अपना इस स्विंग लो जो बनाया था यहाँ पर रख सकते हैं 400 रुपए के आसपास में, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन साइजिंग में थोड़ी क्वांटिटी कम आएगी। तो हम इस हिसाब से
एक रिस्क को मैनेज करने के लिए पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं एंड लॉन्ग पोजिशनल व्यू ले सकते हैं इस स्टॉक में, जहां पे हम ट्रेंड को राइड करेंगे एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाएंगे जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर इमर्ज होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो प्रेजेंटेशन टाटा मोटर्स शेयर्स पर आपको पसंद आया होगा। ढेर सारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।